हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और अभी के बज रहे हैं दोपहर के 2, तो गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गई है इस टाइम पे। तो मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी कि गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो अभी ना मैंने प्लान किया है कि हम लोग चिकन बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए हम लोगों ने चिकन वगैरह कुछ नहीं खाया है ड्यू टू कोरोना। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो आज हमने बहुत दिन बाद प्लान किया है कि हम लोग चिकन बिरयानी बनाते हैं। मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स लोगों को लग रहा होगा कि उन लोगों के लिए आज कुछ भी नहीं है, कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, आज उन लोगों के लिए रेसिपीज नहीं है। मैं जिस तरह से चिकन बिरयानी बनाऊंगी, आप उस तरह से पनीर डाल के भी बना सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं चिकन बिरयानी किस तरह से बनाती हूँ, और बहुत यम्मी एंड टेस्टी लगता है। साथ में मम्मी बनाएंगे चिकन ग्रेवी, क्योंकि हमारे यहाँ पे चिकन बिरयानी के साथ ग्रेवी भी खाई जाती है। तो मम्मी ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगी एंड मैं बिरयानी की प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं दोनों आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे बना रहे हैं। और मम्मी अभी सो रही है, जिस तरह जब भी वो सो रही होती है तभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ, क्योंकि नहीं तो वो मुझे कुछ भी नहीं करने देती। मियाँ नहा धोके आ चुके हैं, मैंने पहले ही नहा लिया था, और 2 बज रहे हैं। अब मैरिनेशन स्टार्ट करूंगी, 4 बज जाएंगे करते करते, और संडे का टाइम है तो ऐसा ही होता है हर किसी के यहाँ पे। नहीं मतलब बेसिकली मेरे यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि सब कुछ डीले डीले हो जाता है। सुबह उठना भी डीले हो जाता है, फिर सारा नाश्ता ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ लेट हो जाता है संडे में, और संडे सेलिब्रेट करते करते ऐसा ही हो जाता है। अब बिल्कुल नॉर्मल रूटीन से स्टार्ट हो गया ना, तो अब लगता है कि हाँ संडे संडे है, तो फिर हम कुछ बना लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट से। सारे स्टेप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, मुझे बताइएगा अगर कोई की कमी हो तो, और अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस सबसे पहले ना पीसेस कट करे छिले मुझे कट करे छिले तो पीसेस कट मतलब ये जो पीसेस है ना, इसमें थोड़ा सा ना चाकू से कट कर लीजिएगा, जिससे कि मसाला अंदर चला जाए। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे मैरिनेशन के लिए, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा और डाल दो बिरयानी मसाला, और थोड़ा सा चिकन मसाला, और थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा और धनिया पाउडर मिक्स है ना ये वाला। अब इसको हम लोग ना अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे मैंने अनियंस रखे हैं, इसका बेरिस्ता बनाना है, तो मैं इसको लंबे 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 काट लूंगी मैं इनको। तो मम्मा इनको मैरिनेट कर रही है, और इसमें अब हम थोड़ा सा डालेंगे एतर और केवड़ा वाटर, रोज वाटर ये डाल रही है मम्मी, केवड़ा वाटर बस, और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें गुलाब जल। तो ये बहुत ही थोड़ा सा डालिएगा, इतने है ये, इसको ज्यादा नहीं डालते, बहुत ज्यादा खुशबू हो जाएगी नहीं तो। अब इसको हम आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। बस मैंने यहाँ अनियन ही कट करे थे, और ये देखिए हमारी मिमी रानी उठ गई है। तो हमने उसको यहाँ चेयर पे बैठा दिया, क्योंकि उसको पूरी कुकिंग हमारे साथ ही करनी है। शने गने गने। तो चिकन का मजा ना सबसे ज्यादा सरसों के तेल में ही आता है। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अभी मैं इसको पूरा स्प्रेड कर देती हूँ कढ़ाई में, जिससे कि बिल्कुल नॉन स्टिक हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। अभी इसमें मैं डाल दूंगी जितने खड़े मसाले थे वो, टमाटर प्याज, बिरयानी में तो इतनी मेहनत लगनी है तो इसमें क्या इतनी मेहनत करनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर मसाले डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर, चिकन मसाला, देगी लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, क्या हुआ क्या मांग रही है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, बिरयानी के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, नमक, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ देना। तो
ये हमारा, इसी में ही चिकन डाल दूँगी। हाँ चिकन तो तुम्हें डाला जाओ तो, और ये साथ के साथ मसाला और चिकन होते रहेंगे। तो अभी हम बिरयानी के लिए बरिस्ता बना लेंगे। बरिस्ता कुछ नहीं है, प्याज को बस ऑयल में फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा जल्दी में हैं तो प्याज को आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल के फ्राई कर लीजिए तो जल्दी फ्राई हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। अगर आप लेयरिंग के टाइम पे और ऊपर से गार्निश के टाइम पे थोड़ा सा फ्राई करा हुआ बरिस्ता डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। आहा, क्या बना है? आहा, काली मिर्च दिखाई दे रही है। आहा, थोड़ा सा डाल दिया था तेल में मैंने स्टार्टिंग में जब गरम मसाले डाले थे ना। इधर झोल रखते हो अभी तो? तो अभी राइस बना लेते हैं। किचन की कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है, यहाँ से वहां तक बिरयानी बन रही है तो बहुत बुरी हालत है। अभी पहले राइस बना लेते हैं। भर के घी डाल रही हूँ यहाँ पे, तो इसमें साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा घी में ही अच्छा लगता है डालना, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, और अब डाल दूंगी मैं चावल। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, तो ढक देंगे। ये आधा ही पकाना है, आधे कच्चे में फिर ये हो जाएगा। और यहाँ ना मैं बिरयानी बना रही हूँ और ये देखिए, ये देखिए मुझे डांटे जा रही है, बस डांटे जा रही है, डांटे जा रही है। क्यों डांट रही हो मिमी आप मेरे को? मिमी की डांटी डांटी क्यों बोली है मिमी? बुमा शिकारी जा रही है ये। मिमी सबको हेलो बोलो, आज आपने हेलो नहीं बोला, हैप्पी संडे भी नहीं बोला किसी को। हैप्पी संडे, हैप्पी संडे बोलो, सबको हैप्पी संडे बोल दो। बोलो मैं आज चिकन खाऊंगी, बहुत सारा चिकन खा जाऊंगी आज मैं। ओ गंदी बात। আমার সোনা কই? মিমি আপনি সব কিছু করে আর হ্যালো নি বললাম, হ্যালো বলতে হ্যালো গাইজ। ज्यादा मत इतराओ तुम, 10 मंच की हो गई हो इसलिए इतनी इतरा रही हो। और यहाँ पे मैंने बरिस्ता बना लिया है, और ये जो अनियन है ये उसके लिए बिरयानी के लिए रख दिए हैं, और ये धनिया और पुदीना बहुत मुश्किल से मिला, इस टाइम सीजन नहीं है ना तो बहुत मुश्किल से मिला धनिया पुदीना। और ये देखिए चिकन की ग्रेवी रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट हो गया है। और यहाँ पे राइस भी हाफ डन हो गए हैं, तो इसको अब मैं, हाँ मम्मी हाफ हो गए हैं तो अभी राइस भी देखिए हाफ हो चुके हैं ना, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ नहीं तो फिर ये गल जाएंगे। तो हाफ हो गए तो अभी इसको निकाल लेते हैं। तो राइस को यहाँ पे छानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये पानी में रहेंगे या गल जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने यहाँ लिया है घी, और घी में डालूंगी मैं खड़े मसाले। आपको मसाले थोड़े से ज्यादा लग रहे होंगे बट बिरयानी में ना मसालों का ही सारा खेल है, मैं सच बताऊं आप लोगों को। इसमें ना मसाले अगर अच्छे से नहीं पड़ेंगे तो फिर फ्लेवर बहुत कम लगता है, ऐसा लगता है कि हम चिकन और राइस खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाले के वही जो दालचीनी इलायची लौंग, अगर पता है स्टारनिस वगैरह जावित्री जायफल ये सब भी होते हैं ना तो वो सब भी डालते हैं लोग, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसका फ्लेवर। तो मैं इसमें बिरयानी मसाला ही ऐड कर दे रही हूँ प्याज में। तो यहाँ मिमी की थोड़ी सी शोर आएगी आप लोगों को बट कुछ नहीं कर सकते, मिमी तो बोलेंगी ही बोलेंगी।
तो जो मैरिनेट करा हुआ चिकन था वो मैं कढ़ाई में जो मसाले हैं उसको तैयार कर रही हूँ ना, तो बिरयानी के लिए, तो इसमें डाल रही हूँ चिकन। तो चिकन जो मैरिनेट करा हुआ था वही चिकन है ये, और बहुत अच्छे से मैं इसमें जितना भी मैरिनेशन था सब वो भी डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छे से मैं पका लूंगी। तो हाफ ये भी हाफ ही करना है जिससे कि जब मैं दम दूं तो जो राइस है और चिकन है वो एक साथ तब पके, बट हाफ ऑफ दोनों ही यहाँ पे रेडी कर लूंगी मैं। तो सारा चिकन और जितना मसाला था वो सब मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। मेरे बहुत सारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स सोच रहे होंगे आज उनके लिए तो ये सच में बिल्कुल ही बेकार रेसिपी बना रही हूँ, बट सीरियसली अगर आप ऐसे पनीर भी बनाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, डैम टेस्टी लगता है ये खाने में। तो पनीर डाल के भी बना सकते हैं, किसी दिन पनीर वाला भी शेयर करूंगी और किसी दिन बिना प्याज और लहसुन वाला भी शेयर करूंगी बिरयानी। मैं जानती हूँ बिरयानी सिर्फ चिकन और मटन की होती है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो यही सोचते होंगे, बट बिरयानी एक टाइप है राइस को पकाने का। मैं जो बिलीव करती हूँ पुलाव बिरयानी डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो राइस को पकाने के होते हैं, तो मैं किसी दिन वेजिटेरियन वाला बिरयानी भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं जैसे ही कैमरा इधर करी ना पापा अंदर चले गए, पापा को पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता कैमरे के सामने आना। बस अब मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि जो चिकन है वो हाफ कुक हुआ है कि नहीं, क्योंकि अब मैं उसको लेयरिंग करने के लिए रखूंगी। तो यहाँ एक पैन ले लूंगी, उसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। तो घी डालने के बाद पहले मैं राइस की लेयरिंग करूंगी, थोड़ा सा घी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा घी लग रहा होगा ना आप लोगों को, मुझे पता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा राइस डाल रही हूँ, पहले फर्स्ट लेयर में मैं राइस डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन डालूंगी। चिकन डालने के बाद मैंने एक दूध में केसर इतर और रोज वाटर और केवड़ा वाटर मिक्स कर लिया है, उसको मैं इस राइस में डाल दूंगी और उसके साथ डाल दूंगी बरिस्ता, और बरिस्ता के साथ डाल दूंगी धनिया और पुदीना की थोड़ी थोड़ी पत्तियां डाल दूंगी। और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहा है ये अभी इस टाइम पे देखने में ही। और सेकेंड लेयर में बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने फर्स्ट लेयरिंग करी है, बिल्कुल सेकेंड लेयर भी ऐसे ही कर दूंगी। चिकन राइस मतलब राइस चिकन और पुदीना पत्ता धनिया पत्ता और केवड़ा वाटर इतर रोज वाटर और दूध में थोड़ा सा केसर। दूध में केसर डालने के बाद ना आप क्या करो ना कि उसी में डाल दो इतर और गुलाब जल केवड़ा वाटर, और लास्ट में पूरा जितना भी मैंने सब था वो सारा राइस लास्ट में मैंने एक और लेयर कर दिया राइस की, और उसी के बाद मैंने सारा ही जितना भी मैंने डाला था तो वो सब मैंने डाल दिया, और एक बार और घी रख डाल दिया ऊपर से। और इसके बाद ना मैं आटे से इसको दम लगाने के लिए रखूंगी तवे के ऊपर, तो आटे से मैं इसको बहुत अच्छे से लॉक कर दूंगी, सील कर दूंगी इस पैन को मतलब जो इस पॉट को, तो जिससे कि ना इसकी जो जितनी भी दम है वो बाहर नहीं निकलेगी और बहुत जो खुशबू है वो अंदर ही रह जाएगी। तो एक तवे पे रखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने बिरयानी को अभी 15-20 मिनट के लिए रख दिया है होने के लिए, और इसको तवे के ऊपर रखती हूँ दम के लिए, नहीं तो नीचे से लग जाता है ना। और यहाँ पे हो गया है चिकन मेरा रेडी, तो ये ग्रेवी है और बना लूंगी रायता। तो रायते के लिए ना मैंने यहाँ पीस लिया है धनिया पुदीना, और इसको अभी रायता बना लूंगी बढ़िया से। तो बिरयानी के साथ रायता खाना बहुत अच्छा लगता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग अपने बप बप। तो मुझे गाइस जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके आप लोगों ने किस तरह से क्या मुझे बात ही नहीं करने देगी, इसको चाहिए माइक जो मैंने आप लोगों के लिए लगाया जिससे कि आप लोगों को आवाज नहीं अच्छी सुनाई दे, लेकिन इसको खाना है, लो खा लो। तो मुझे कमेंट में जरूर ऐसे कुड़कुड़ भी कौन, तुमने सब कुछ खाना है, मेरे बाल खाने हैं, मुझे खाना है, मेरा माइक खाना है, सब कुछ खाना है। अच्छा ले लो लो, पूछ लेने दो, बात तो कर लेने दो लोगों से, फ्रेंड्स लोगों से बात तो कर लेने दो, बोलो हेलो फ्रेंड्स, तुम करोगी बात।
चलो आप बात कर लो, बोल पूछो कैसे हो आप सब लोग, आप लोग अपना संडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं तो कुड़कुड़ करके मामा और नानी को परेशान करके ऐसे अपना सबका सेलिब्रेट करने देती हूँ संडे, नहीं तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करने देती। दीदी कहाँ है? और यहाँ अभी हमारी बेटी है, इनको चाहिए अभी बिरयानी, अभी अभी खाना है मैम को। और यहाँ मिमी ने देखिए क्या कंडीशन कर रखी है इस घर की हालत, गलती बच्ची। तो तब तक अभी फटाफट से रायता बना लेते हैं। तो रायता बनाना है तो उसमें मैंने क्या किया है ना, मैंने मिक्सी के जार में धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और लहसुन पीस लिया है और साथ में डाल रही हूँ इसमें रायते में ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। ये भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख लेते हैं बिरयानी की क्या कंडीशन है। बिरयानी मैंने बंद कर दी है और ये हो ही जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर खोलती हूँ इसको। बस ये हो गया, मैंने बोला था ना 4 बजेंगे, तो 4:10 हो गए हैं, 4:10 हो गए हैं और 20 मिनट के लिए मैंने इसे दम लगा के रखा था, तो रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर में। मैं बहुत थक गई हूँ बिट्टू, आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है मेरी बिरयानी। तो अभी इसको खोल लेते हैं और बहुत एक्साइटमेंट लगता है जब ये खोलती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी अरोमा आती है ना, तो मज़ा आ जाता है। बहुत गर्म है तो फिर भी ट्राई करती हूँ खोलने का। सी कितना सुंदर लग रहा है ना, और इसको ना इसको निकालने का तरीका बताती हूँ, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं इसे, और लेयरिंग के हिसाब से ही निकालना होता है। इससे निकालूंगी, इससे अच्छा निकलेगा, तो लेयरिंग से ही निकालना होता है इसको। मैंने ये ना एकदम सीधे डाला है और ऐसे निकाला है, और देखिए ऐसा सुंदर लग रहा है देखने में, तो कितना यम्मी लग रहा है ना। और इसके साथ रायता सर्व कर लेती हूँ। लंच हमारा बन गया है और इतना यम्मी लंच बना है ना, है ना। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही निकालिएगा, मिक्स मत करिएगा, बहुत अच्छा लगता है और किसी के सामने प्रेजेंट करने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आ जाइए गाइज, आप लोग भी हम लोगों के साथ लंच कर लीजिए। बापरे, जूरो कराटे की लैंग्वेज सीख रही है मिमी लग रहा है। या वू हा अबू मिला छना काए तू गागी, ये देखो मिमी खड़ी हो गई, ये देखो मिमी मिला चलने लगी, अच्छा मिले बिले आना छोला मचाना, मिले पास आएगा मिला बच्चा तो। एबू एबू को ही क्या हो, ये जली छोली के थाली थाली, आजा मिली जान, तू भी आजा एबी, आजा दीदी को बुला, दीदी को बुला, बोलो दीदी आजा, आजा मेरी जान आजा, दीदी को बुलाओ। कैसे बुलाते हैं? हाँ अच्छी नहीं, अच्छी तो डर जाएगी वो, अच्छी नहीं दांत दांत की नहीं बुलाते हैं, अच्छी नहीं बुलाते बिट्टू, हाँ अच्छी बुलाओ। अरे ऐसे कौन बुलाता है, आज मिली जान क्यों भी आज मिला छोना, आ गई दीदी आ गई। ओली वाह ओली ओली वाह ओली, दीली दीली आना चलो मचो ना। तो मैं आज थोड़ी देर के लिए आप लोगों को बालकनी में ले आई हूँ, मुझे लग रहा है कि बालकनी थोड़ा सा घुमा देती हूँ आप लोगों को,
क्योंकि अभी ये बालकनी जैसी दिख रही है आप लोगों को, थोड़े टाइम में इसका लुक चेंज होने वाला है क्योंकि इसके जितने आधे से ज़्यादा प्लांट्स ना सब छत पे चले जाएंगे और बहुत सुंदर लगती है इस टाइम पे ये बालकनी। और ये देखिए कितना प्यारा लगता है ना ये सरसा स्टैंड। और ये देखना कितने सुंदर सुंदर संतरे, कितने सुंदर संतरे हुए हैं यहाँ पे, छोटे 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 बहुत सारे संतरे हुए हैं। और पता नहीं इसमें से कितने प्लांट्स ऊपर लेके जाओगे, चार पाँच। और ये ना इतने सुंदर लग रहे हैं इस टाइम पे। ये इन्वर्टर का स्टैंड है जिसमें मम्मी ने प्लांट रखने के लिए बना दिया है। करी पत्ता रखा है यहाँ पे और ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं गाइज। ये देखो ऑरेंज हो गया ये चंकी। और ये हमारी अबी रानी फड़फड़ानी, इसके बाल कितने लंबे हो गए ना, इसके कटिंग करानी पड़ेगी। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ गाइज। आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज। तो मिलती हूँ, प्यार दीजिएगा, हाँ मिमी को अपना आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। कोशिश करूँगी डेली व्लॉग बना पाऊँ, नहीं बना पाती हूँ मिमी की वजह से, नहीं हो पाता है एक्चुअली मिमी की वजह से भी नहीं, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा उस क्रैंकी हो जाती है तो उसको हैंडल करना, थक जाती हूँ जैसे, इतनी टायर्ड हो जाती हूँ ना कि डेली व्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए डेली व्लॉग शूट करने की, और जो भी हम कर रहे हैं मैं आप लोगों के लिए शूट करूँ। तो मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय मिमी, टाटा कर दो, बाय बाय गाइस।